अब पटियाल महिला की गरिमा और रक्षा के नाम पर छिड़े बड़े विवाद का परीक्षण करेगा। इस विवाद का मुख्य चेहरा है हीरोइन कंगना रनौत और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीदेव। इनकी आपसी लड़ाई में कांग्रेस कंगना के साथ देश का महिला आयोग खड़ा है और कई राजनीतिक दल भी। सुप्रिया श्रीदेव ने माफी मांग ली है, लेकिन विवाद बढ़ता ही जा रहा है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि कंगना रनौत अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है, दूसरों के हक की लड़ाई भी वो लड़ती रही हैं, फिर भी उनके समर्थकों की लंबी लिस्ट है। चुनाव सिर पर है, हर राजनीतिक दल महिला वोटर्स को साधने में लगा है, लेकिन देश में लड़ाई और सियासत उन महिलाओं पर हो रही है जो कमजोर नहीं पावरफुल हैं, जिनका नेम है, फेम है, देश विदेश तक उनकी पहुंच है, पकड़ है, उनकी पैरवी के लिए पूरा सिस्टम लगा है। पटियाल पूछता है कि तमाम दावों और वायदों के बावजूद क्या देश में महिला सम्मान भी उन्हीं महिलाओं को मिलता है जो ताकतवर हैं? इस सवाल का कारण समझने के लिए अब मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। इस तस्वीर में एक बेबस मां और उसकी तीन बेटियों की दर्द भरी दास्तां है। हुआ यूं कि भोपाल की रहने वाली एक मां ने अपनी बेटियों के साथ फांसी लगा ली। मां और दो बेटियों की मौत हो गई, जबकि तीसरी बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। आखिर एक मां इतनी कमजोर क्यों हुई कि जिन्हें जन्म दिया उन्हें ही मौत दे दी? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महिला इतनी मजबूर क्यों है? महिला को पूजने वाले इस देश में, महिला वोट बैंक वाले लोकतंत्र में एक मां इतनी लाचार आखिर क्यों हुई? अब दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पर छिड़े सोशल मीडिया वॉर की है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना पर आपत्तिजनक पोस्ट डाला तो महिला आयोग बिना वक्त गवाए कंगना रनौत के डिफेंस में खड़ा हो गया। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गई। ऐसे में पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल पूछता है कि क्या देश में सिर्फ कंगना रनौत की चिंता है? भोपाल के गांव में रहने वाली मां और उसकी बेटियों की चिंता किसी को क्यों नहीं? क्या पावरफुल महिलाओं का ही सम्मान है? तीन बेटियों के साथ मरने वाले को मजबूर मां, क्या उसका कोई सम्मान नहीं? क्या महिला आयोग कंगना रनौत की तरह भोपाल की मजबूर मां और तीन बेटियों के मुद्दे को भी उठाएगा? ये बड़े सवाल हैं और ये सवाल आज पूछना लाजमी भी हो गया है। कोई गरीब हो, अमीर हो, कोई नामचीन हस्ती हो या फिर आम नागरिक, हमारा संविधान, हमारा कानून सबको बराबर सम्मान और न्याय का अधिकार देता है। क्या देश में महिला सम्मान पर सिस्टम भेदभाव करता है? अब मैं इसका परीक्षण करूंगा। बात 24 मार्च की है। होली के ठीक पहले बीजेपी ने अपनी पांचवी लिस्ट जारी की। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत को बीजेपी ने मंडी सीट से मैदान में उतारने का ऐलान किया, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से। इधर कंगना रनौत को बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित किया, उधर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया अकाउंट से उनके कंगना रनौत पर एक पोस्ट रिलीज हुआ। पोस्ट में इस्तेमाल शब्दों को आपत्तिजनक माना गया। एक महिला के सोशल अकाउंट से दूसरी महिला के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। कंगना के खिलाफ विवादित पोस्ट HS अहीर ने भी किया। सियासत की भट्टी और धधकने लगी। कंगना रनौत ने पोस्ट का जवाब पोस्ट से दिया। सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी पर कंगना ने कहा कि हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। विवाद होते ही कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत फौरन डिफेंसिव हो गई। सुप्रिया ने सफाई दी कि उन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की। उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, अब वो पता लगा रही हैं कि ये हरकत किसने की है। लेकिन तब तक राष्ट्रीय महिला आयोग हरकत में आ चुका था। निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर श्रीनेत और अहीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा वह सुप्रिया श्रीनेत के इस अपमानजनक आचरण के लिए बहुत हैरान है, हतप्रभ है। चुनावी सीजन में महिला सम्मान पर सियासी घमासान छिड़ा है, इसे नापने वाला एक छोटा सा ऑडियो वीडियो मीटर हमने तैयार किया है, जरा आप भी इसे महसूस कीजिए। किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है,
उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। ये जो सफाई दी गई है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगी, ये सफाई नहीं, बहाना है। ये अभद्र टिप्पणी परिलक्षित करती है कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को। हिमाचल में उनके माता पिता रहते, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था। हिमाचल की बेटी है। महिलाओं के लिए कई योजनाएं हमने शुरू की। कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति, ये ऐसी घिनौनी सोच है। कांग्रेस की जो बातें हैं, इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं, ये देश को समझना चाहिए। कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। कांग्रेस में सोनिया जी हमेशा एक उच्च स्तर पर रही हैं। वैसे अभिनेता जब भी नेता बनते हैं उनके साथ विवाद आते ही हैं, फिर भी राजनीति में इनकी एंट्री होती है। विवाद के बावजूद ये राजनीति की पसंद क्यों है, पहले इसे समझ लेते हैं। इसकी पहली वजह है फिल्मी स्टारों की प्रसिद्धि, जो जीत की गारंटी देती है, और दूसरी वजह है सेलिब्रिटीज का ग्लैमर फैक्टर कई बार विनिंग फैक्टर बन चुका है। तीसरी बात, हीरो हीरोइन के साथ लोग इमोशनली जुड़ जाते हैं, लेकिन मैदान के हीरो संसद के भीतर अक्सर जीरो साबित होते हैं। इसका भी एक परीक्षण मैंने किया, आप उसे भी देखिए। सदन में जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति कम से कम 79% होना जरूरी है, लेकिन ज्यादातर सेलिब्रिटीज सांसदों की अटेंडेंस लोकसभा में नेशनल एवरेज से भी कम रही। अब मैं आपको उन सेलिब्रिटीज सांसदों का अटेंडेंस चार्ट दिखाऊंगा जो सदन में हाजिरी भी पूरी नहीं कर पाए। बीजेपी सांसद सबसे पहले सनी देओल की हाजिरी 17% रही, मिमी चक्रवर्ती की 21, नुसरत जहां की 23% रही, किरण खेर की 47%, हेमा मालिनी की 50%, शत्रुघ्न सिन्हा की 63%, रवि किशन की 68% रही, जबकि मनोज तिवारी का अटेंडेंस 85% के साथ नेशनल एवरेज से ज्यादा है। अब मैं आपको बताता हूं कि पर्दे के सितारे संसद के सदन में कितनी बहस में हिस्सा लेते हैं। 5 साल में हुई कुल बहस को अगर सांसदों के बीच बांट दें तो भागीदारी का औसत सदन में प्रति सांसद 87 बहस आता है। अगर हम इसका रेशो बांट दें तो सन्नी 47% आता है। सनी देओल और शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा की किसी भी बहस में हिस्सा नहीं लिया उन्होंने। मिमी चक्रवर्ती ने 7 बहस में हिस्सा लिया, किरण खेर ने 9 और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने 20% में हिस्सा लिया। अब आपको बताता हूं कि संसद बनाने वाले हीरो हीरोइन सवाल पूछने के इंडेक्स में कहां फिट होते हैं। 5 साल की संसद में पूछे गए सवालों को कुल सांसदों के बीच में अगर हम बांट दें तो 17वीं लोकसभा में प्रति सांसद सवाल का नेशनल एवरेज 210 सवाल रहा। शत्रुघ्न सिन्हा ने 0 सवाल पूछे, सनी देओल ने 4 सवाल पूछे, हेमा मालिनी ने 105 सवाल पूछे और वो औसत से काफी कम रहे। ये सब लोगों का हमने आपको आंकड़ा दिखा दिया, जो लोग जिन्हें हम हीरो समझकर संसद में भेजते हैं। पर्दे के ज्यादातर हीरो संसद में हीरोपंती नहीं दिखा पाते हैं, फिर भी इनके लिए वोटर और पार्टी दोनों ही उत्साहित रहते हैं, जबकि इनकी हिटलिस्ट में आम आदमी कहीं भी नहीं दिखता। ये बात पटियाल इसलिए कह रहा है क्योंकि देश कंगना के लिए विवाद में उलझा हुआ है, जबकि उसी दौरान मध्य प्रदेश के भोपाल में एक माँ अपनी 3 बेटियों के साथ मौत के फंदे में फंस गई और ये मुद्दा किसी के लिए भी लिस्ट में नहीं है, लेकिन पटियाल को ये बुरा लगता है। पटियाल ग्लैमर और पावर के लिए भूखी राजनीति को गलत समझता है। अब मैं आपको भोपाल लेकर चलता हूं, एक बेचारी माँ के पास। राजधानी दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ही बीजेपी के सीएम मोहन यादव सूबा चलाते हैं। भोपाल से 35 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है रोडिया। यहां एक मां ने अपनी 3 बेटियों के साथ फांसी लगा ली। मां और 2 बेटियों की मौत हो गई। मां की उम्र 28 साल, सबसे बड़ी बेटी 5 साल की, दूसरी बेटी 2.5 साल की, तीसरी बेटी 1.5 साल की थी। 2.5 साल की बेटी मनु अभी भी क्रिटिकल है, भोपाल में उनका इलाज चल रहा है। एक मां ने पहले 3 बेटियों को मौत के फंदे से लटकाया और फिर
खुद फांसी लगा ली। जन्म देने वाली मां ने आखिर उनकी जान क्यों ली? मां के मोबाइल फोन से 5 मैसेज मिले हैं जो मां ने अपने भाई को भेजे थे। ये मैसेज बताते हैं कि मां अपनी बेटियों के साथ क्यों मर गई। प्रारंभिक बातचीत से जो तथ्य आए हैं उसमें ये प्रकाश में आया है कि ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा, खास तौर पर पति के द्वारा, महिला को प्रताड़ित किया जाता था और महिला के एक तथ्य इस संबंध में और आए हैं कि महिला को चूँकि 3 बच्चियां ही थी तो ये भी एक कारण है, परंतु प्रताड़ना के अन्य भी कारण हो सकते हैं जिसका अभी हम पता लगा रहे हैं। हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर जुड़ गए हैं। नितिन, बच्चे की क्या हालत है, उसे कहाँ इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है और पुलिस क्या कहती है आगे की कहानी के बारे में? बच्चे की हालत अभी गंभीर है, भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती है। उसका नाम है मनु, जो 1.5-2.5 साल की है। उसकी हालत तो गंभीर है सर, मगर ये भी बताना चाहूँगा कि जो SP हैं उनसे, हमारे ग्रामीण SP भोपाल के, जिनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है ये पारिवारिक विवाद है, पत्नी और पति के बीच का विवाद था। जो रजत यादव है, जिसने संगीता से लगातार शराब पीने के बाद वो लड़ाई करता था, और उनके जो सास ससुर है और जो संगीता के पति हैं, उनका हमेशा से ये था कि जो 3 बेटियां हुई उनको बच्चे, मतलब लड़का की इच्छा थी, लेकिन जो संगीता महिला थी उनको कई पेट में गठान हो गई थी, जो बीमारी थी, इसके चलते अगला जो बच्चा होता वो पैदा करने की सक्षम नहीं थे। इसी कारणों को लेकर वो लगातार परेशान होते थे। उस पर सास ससुर और जो उसका पति है वो दबाव बनाता था और शराब पीकर आके हमेशा लड़ता था। ये बातें जो संगीता है उनके परिजनों को बताई, जिस तरह से ये उसने मोबाइल में चैट उसके भाई को भेजा है कि मैं लगातार परेशान हो रही थी, यानी कि देख तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, कोई गिरफ्तारी हुई है? दो बेटी के साथ, हाँ, अभी फिलहाल पुलिस ने जांच कर रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी। और किसी भी राजनीतिक पार्टी जिस तरह से तमाम मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिला संरक्षण को लेकर, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जी सर, ये लाडली लक्ष्मी का प्रदेश है नितिन, क्या कोई नेता उनके घर पर गया, महिला आयोग की कोई पदाधिकारी या कोई अध्यक्ष वहाँ गए, किसी का जाना हुआ उनके घर में है नहीं अभी? नितिन, शायद आप हमारी बात सुन नहीं पा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितनी जानकारी दी। आगे भी इस घटना के बारे में जानकारी लेते रहिएगा, हम दर्शकों को अपडेट करेंगे। भोपाल की ये कहानी पहली नहीं है और आखिरी भी नहीं है। मैं अब आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलता हूँ। वहाँ संदेश खाली की पीड़ित को BJP ने लोकसभा का टिकट दिया है। प्रधानमंत्री ने आज उनसे बात भी की। यूं तो रेप सर्वाइवर की पहचान गुप्त रखते हैं, लेकिन वो चुनाव मैदान में हैं इसलिए उनका चेहरा दिखाया जा रहा है। लेकिन उसी पश्चिम बंगाल में BJP के पूर्व अध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष ने प्रदेश की CM ममता बनर्जी पर बयान दिया, कहा जहां जाती हैं खुद को वहीं का बता देती हैं। इसके बाद उन्होंने जो कहा वो विवाद का विषय है, महिला की गरिमा के खिलाफ माना गया है। ममता के समर्थक बयान की शिकायत चुनाव आयोग से कर रहे हैं, महिला आयोग की जानकारी में भी मुद्दा आ गया है। लेकिन भोपाल की लाडली माँ अपनी लक्ष्मियों के साथ मरने को मजबूर है, आरोप है कि वो अपने ससुराल को बेटा नहीं दे पाई, दहेज नहीं लाई, इसीलिए जिंदगी देनी पड़ी। माँ अपनी 2 बेटियों के साथ हमेशा के लिए शांत है, एक बच्ची जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। पटियाल की ईश्वर से प्रार्थना है कि बच्ची सफल रहे, सफल हो और नई जिंदगी पाए। माँ और दोनों बेटियों की आत्मा को ईश्वर शांति दे और इस देश की राजनीति को सद्बुद्धि, ताकि किसी माँ को ऐसे मरना ना पड़े। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।